भारत काफ़ी तेज़ी से विकसित देशों की श्रेणी में आता जा रहा है, और इसी कारण है कि दुनिया का हर एक देश या हर एक व्यक्ति इंडिया को जानता है। अगर आप भी इंडिया से रहने वाले हों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में आज कुछ खास बातें बताने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों, शैम्पू, आप सभी ने शैम्पू के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, पर आपको क्या ये पता है कि शैम्पू का आविष्कार इंडिया में ही हुआ है? लगभग काफ़ी पुराने समय से शैम्पू का आविष्कार इंडिया में हो चुका था। यहाँ पर पुराने ज़माने के जो ऋषि मुनि थे, वो काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ अपने बालों में लगाया करते थे, तभी से ही शैम्पू का आविष्कार चला आ रहा है। और आपको ये बात जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी कि पुराने समय में एक इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश था जिसमें हीरे पाए जाते थे, और पूरी दुनिया में हीरे यहीं से सप्लाई किए जाते थे। और आपको ये बात जानकर तो बड़ी हैरानी होगी कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले लोग ऐसे हैं जो शाकाहारी खाना खाते हैं। इसका मतलब यह है कि इंडिया की एक बड़ी जनसंख्या शाकाहारी खाना पसंद करती है, वो शाकाहारी खाने पर ज़्यादा डिपेंड रहती है। आप सभी ने कभी ना कभी तो प्लास्टिक सर्जरी का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि ये आजकल के समय में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पर भी चल रहा है। पर क्या आपको ये बात पता है कि प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार भी इंडिया में ही हुआ है? प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में लगभग 600 ईसा पूर्व से चली आ रही है। और क्या आपको ये पता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके अंदर तलाक के मामले सबसे कम सामने आते हैं? इसी कारण से इंडिया के अंदर तलाक सबसे कम होते हैं। पूरी दुनिया में डाकघरों की संख्या सबसे ज़्यादा इंडिया में पाई जाती है, जबकि डाकघर का आविष्कार इंडिया में नहीं हुआ है। दोस्तों, आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना।